अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। सर हम किन देशों से पीछे हो गए पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं मैं मानता हूं। हाँ बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने, कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त, मुफ्त कुछ नहीं होता सर। जब कश्ती साबित हो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी, अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे। जय हिंद सर।